नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पेट्रोल के दाम में आज फिर इजाफा, डीजल भी हुआ महंगा। पेट्रोल की खुदरा कीमत 35 पैसे बढ़ी। दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत, तो उत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान। यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में बीजेपी का दबदबा, सीएम योगी बोले 22 में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र के पालघर में भारत केमिकल्स प्लांट में विस्फोट, कई लोग हुए घायल। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी जानकारी, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जल्द ही नियुक्ति किए जाने के शिकायत की जाएगी अधिकारियों से। 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 150 करोड़ की परियोजना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत का यूपी दौरा, विभागीय परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह रहेंगे साथ। सीएम योगी ने कबूल की ओवैसी की चुनौती, बोले 2022 में बीजेपी सरकार बनाएगी। सोनभद्र में रफ्तार बनी काल, कार और मैजिक में भीषण टक्कर, हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल। डाला वैष्णो मंदिर जा रहे थे सभी लोग। वाराणसी में बर्थडे मनाने के लिए नहीं दिए पैसे तो गंगा में कूदा, पिता ने भी लगाई छलांग, बेटा लापता। टोक्यो में मिट्टी धंसने से कई मकान बहे, करीब 19 लोग लापता। डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर फेसबुक से हुए बैन, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने लॉन्च किया जिटर। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका व उसके कुछ सहयोगियों की पुरानी शित युद्ध मानसिकता के लिए आलोचना की। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस से पहले सशस्त्र मिलिशिया के 11 लोग गिरफ्तार, भारी हथियारों से थे लैस। मिताली बनी महिला क्रिकेट की तेंदुलकर, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी। झारखंड के प्लेयर्स के लिए सीएम की बड़ी घोषणा, दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपए का पुरस्कार, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में 10 मिनट में वेस्टइंडीज की 2 महिला क्रिकेट मैदान पर बेहोश होकर गिरी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईपीएल फेज 2 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगा बड़ा झटका, आईपीएल नहीं खेलेंगे स्टीव स्मिथ, 19 सितंबर से शुरू होंगे मैच। यूरो कप 2021 में यूक्रेन को हराकर इंग्लैंड 25 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा, डेनमार्क ने 4थी बार टॉप 4 में बनाई जगह। डायरेक्टर विजय कृष्णे आचार की फिल्म में सिंगर के रोल में नजर आएंगे विक्की कौशल और मानुषी चिल्लर। कसौटी जिंदगी के शो के अभिनेता प्राचीन चौहान गिरफ्तार, महिला के साथ छेड़छाड़ करने का लगा है आरोप। फुकरे की टीम अब चुस्पा में आएगी नजर, 23 जुलाई को रिलीज होगा वेब शो। अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा की दीवार गिराएगा बीएमसी, 2017 से मिला हुआ है नोटिस।
मुंबई में शुरू हुई प्रभास और सैफ अली खान स्टारर आदि पुरुष के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग डायरेक्टर ओम राउत ने किया कंफर्म। पांच पच्चीस में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।